हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में आज क्या चीज आपको सिखाऊंगा आइए दिखाता हूं। यहां पर देख सकते हैं ये तीन हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, और इन तीनों को यूज करेंगे, देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इनमें। ठीक है, देख सकते हैं पहला राउंड अप है, तो अगर कोई नंबर दिया गया और उसे राउंड अप करना है, जरा देखिएगा ये 10.0 लिखा हुआ है। अब 10.0 को राउंड अप करेंगे तो ये बन जाएगा 11। क्यों 11 बन जाएगा? क्योंकि अप का मतलब होता है ऊपर, तो ये मायने नहीं रखता है कि वो 0.5 या 0.5 से ऊपर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पे लगाता हूं R O U N D अप, राउंड अप लगाया, और राउंड अप लगाने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर करते ही आपको यहां पर रिजल्ट दिखाई देगा। तो यहां देखिए 3-4 है तो ये 11 बन गया है, क्योंकि ये राउंड अप ही हमने लगाया है, तो ये मायने नहीं रखता है कि ये 50 से ऊपर है या नीचे है। तो राउंड अप करेंगे तो इसका मतलब पॉइंट में कोई भी वैल्यू होगी तो वो आगे की तरफ बढ़ाएगा। ठीक है, दूसरा है राउंड डाउन। तो राउंड डाउन में क्या है, तो R O U N D राउंड और फिर यहां लगाएंगे डाउन। तो राउंड डाउन में क्या होगा कि ये हमेशा नीचे की तरफ ले जाएगा, यानी 10.3 है तो ये नहीं देखेगा कि ये 10.3 है। ठीक है, जैसे राउंड अप में ये देखा जा रहा था कि 10 पॉइंट से ऊपर है कि नहीं है, तो पॉइंट में अगर एक भी पॉइंट लगा हुआ है तो वो आगे ही बढ़ाएगा। इसी तरीके से पॉइंट में अगर एक भी पॉइंट लगा है तो वो पीछे की तरफ बढ़ाएगा, राउंड डाउन। ठीक है, बंद किया, एंटर किया, यहां पे देख सकते हैं ये कुछ रिजल्ट हमें इस तरीके का मिला है। लेकिन राउंड की कहानी जरा अलग है। तो राउंड में क्या है, तो यहां पे जैसे ही हम R O U N D राउंड लगाएंगे तो यहां पर ये क्या करेगा ना, 0.5 या 0.5 से कम होगा, 0.5 भी नहीं, 0.5 से जो कम होगा उसको ये पीछे कर देगा, यानी 10.3 दिया हुआ है तो इसको 10 ही प्रिंट करेगा। ठीक है, यहां पे देखिए ये हुआ, तो यहां पे आंसर आपको ऊपर दिख रहा है, ये देखिए सारे आंसर्स आपको नजर आ गए। तो जो 0.5 या 0.5 से ऊपर होगा उसको ये आगे बढ़ाएगा, अदरवाइज ये पीछे कर देगा। तो यहां पर इसको देखिए जरा, यहां पर मैं इसे एक दूसरे कलर से भी हाईलाइट करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए 67.89 है, तो ये 0.5 से ऊपर है। देखिए अगर 67.5 भी होता तो ये 68 कर देता। ठीक है, 67 है ना, तो 68 कर दे रहा है। यहां देखिए 0.5 तो है लास्ट में, यहां देखिए 4.45 है लास्ट में, 5 तो है लास्ट में, लेकिन ये 4 है पहले। इसका मतलब कि 0.5 होना चाहिए पहले, ये 4 आ गया है तो ये पीछे करेगा। तो ये देखिए 0.6245 है तो इसको 6 कर दे रहा है, यहां 3-4 है 10.34 तो इसको 10 कर दे रहा है। तो ये राउंड इस तरीके से काम करेगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं गूगल शीट के तीनों ही फॉर्मूले आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। ठीक है।